तो जिस प्रकार से मंच से उद्बोधन करते हुए जींद का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, डॉक्टर अजय चौटाला ने भी कहा मैंने तो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था लेकिन यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं, और जैसा कि हमारी तस्वीरों में भी आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी थी। उनके ही दुष्यंत के ही एक समर्थक है संदीप मलिक, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, कैसा कार्यक्रम आपको लगता है, ये जो भीड़ उमड़ी, क्या कयास लगाए जा सकते हैं, क्या परिवर्तन होगा? देखिए, डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं को इतना मान सम्मान देते हैं, 36 बरादरी में इतना उनका अच्छा व्यक्तित्व है और अपने प्रदेश के बारे में इतनी स्पष्ट सोच है और युवाओं को आगे बढ़ने में हमेशा सहयोग करते हैं, तो एक बुलावे पर, उनके एक संदेशे पर पूरा हरियाणा प्रदेश उनके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है। आपने कहा एक बुलावे पर आ जाते, लेकिन आपको नहीं लगा कोई अव्यवस्था यहाँ पर फैली? जोश में होश खोने वाली बात, खासकर युवाओं की जहाँ तक बात की जाए, दिग्विजय चौटाला के साथ बहुत सारे नौजवान और युवा उनके साथ चलते हैं, ऐसे में यहाँ पर अव्यवस्था भी देखने मिली, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। होश के साथ, जोश के साथ होश भी होना चाहिए कार्यकर्ताओं में। अभी हमारा संगठन आगे आगे जैसे काम करेगा दुष्यंत सिंह चौटाला जी के मार्गदर्शन में और अजय सिंह चौटाला जी हमारे सारथी होंगे, जैसे जैसे आगे आगे चलते रहेंगे तो इस चीज़ का आगे हमेशा ध्यान रखा जाएगा। 9 दिसंबर को महारैली की घोषणा यहाँ से करके गए हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, और उन्होंने साफ कहा भी दुष्यंत को मैं आप लोगों को सौंप के जा रहा हूँ, वो तो जेल में चले जाएंगे। तो क्या जो ये जो ये घोषणा करके गए हैं 9 दिसंबर की, पार्टी की घोषणा आज नहीं की गई जबकि इतना इशारा उन्होंने कर दिया है लोकदल से हम दूर हो गए हैं, असली लोकदल ये है, वहाँ हमारे लिए ना, हम वहाँ जाना चाहते हैं, क्या ये किस ओर संकेत है? देखिए, जो भी संगठन या पार्टी का गठन किया जाएगा वो जननायक ताऊ देवीलाल की नीतियों का पालन करते हुए, सबको सम्मान देते हुए इस प्रदेश के अग्रणी विकास के लिए काम किया जाएगा। और डॉक्टर साहब ने जो भी बात बोली है 9 तारीख के लिए, उस दिन पार्टी का कोई भी जननायक जी के नाम से संबंधित नाम से पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा और हर एक कार्यकर्ता को संगठन में जो भी जिम्मेदारी देनी है हर एक कार्यकर्ता ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से पालन करेगा।